बिहार की राजधानी में पिछले कई महीनों में कई बदलाव हुए। इस बदलाव के बीच बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी राजनीति में बेहद एक्टिव हो गए। जहां उन्होंने पहले 11 फरवरी को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की, तो वहीं दिल्ली दौरे के दौरान 14 फरवरी को उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। ऐसे में तेजस्वी की आशंकाओं को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। वो इसलिए क्योंकि सियासी गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार 2024 में पीएम मोदी को चुनौती देने की तैयारी में है और विपक्ष के प्रधानमंत्री फेस बन सकते हैं। लेकिन जिस तरह से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव राजनीति में बेहद एक्टिव दिख रहे हैं, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि तेजस्वी के इस कदम से नीतीश का क्या होगा, जिसके बारे में चर्चा थी कि वो सीएम का पद छोड़कर राष्ट्रीय राजनीति में उतरेंगे। दरअसल तेजस्वी यादव ने बीते कुछ दिनों में कई नेताओं से मुलाकात की है, जिसमें दिल्ली के सीएम का नाम भी शामिल है। मंगलवार को केजरीवाल से मुलाकात करने के बाद तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा, आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के दौरान वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बीजेपी सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों, संसाधनों, राष्ट्रीय संपत्ति और देश को पूंजीपतियों के हाथों में गिरवी रख दिया है। हम सबको मिलकर देश बचाना है। वहीं केजरीवाल से मिलने से पहले तेजस्वी यादव ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से रांची में जाकर मुलाकात की थी। लिहाजा इस वजह से माना जा रहा है कि 2024 में गैर कांग्रेसी दलों की एक साझी रणनीति बनाने के लिए तेजस्वी फोकस कर रहे हैं। जानकारों की माने तो तेजस्वी यादव खुद को राजनीति में भी एक फेस के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। खासतौर पर लालू यादव की गैर हाजिरी में वो सेकुलर पार्टी के तौर पर अपनी पकड़ रखना चाहते हैं। इसके अलावा वो नीतीश कुमार के लिए भी एक भूमिका तैयार कर रहे हैं। इस तरह से वो एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश में है। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी, चंद्रशेखर राव, एमके स्टालिन, आदित्य ठाकरे और अखिलेश यादव जैसे नेताओं से मुलाकात भी की है। उधर खबर तो ये भी है कि तेजस्वी को देखते हुए नीतीश कुमार भी जल्द ही देश भर में बीजेपी के खिलाफ मिशन पर निकल सकते हैं। इस दौरान वो विपक्षी दलों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। ऐसे में अब किसका प्रयास रंग लाता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।